साईनगरी शिर्डी कॉरिडॉरला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा विरोध आहे असा प्रश्न उपस्थित झालाय. शिर्डी कॉरिडॉरची गरज नसल्याचं विखे पाटील यांनी म्हटलंय. वाराणसी आणि मध्य प्रदेशच्या महाकालेश्वरमध्ये कॉरिडॉरची निर्मिती करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर शिर्डीतही कॉरिडॉर होणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यावर विचारलं असता शिर्डी कॉरिडॉरची गरज नसल्याचं विखे पाटलांनी म्हटलंय. शिर्डीत कॉरिडॉरची आवश्यकता नाही असं विखे पाटील यांनीच म्हटलंय. महसूल मंत्री विखे पाटील, सत्ताधारी मंत्री विखे पाटील यांनी म्हटलंय की शिर्डीत कॉरिडॉरची गरज नाही. त्यामुळे आता या वक्तव्यावरून नवा वाद निर्माण होतो का हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कॉरिडॉर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमने 9 मीटर का रोड जो पेरीफेरी में जो पूरा किया है उस समय काफ़ी अतिक्रमण उसमें निकाल के अभी पूरा कॉम्प्लेक्स जो हुआ है कॉरिडोर ही है, पूरे इंक्रोचमेंट निकाल के पूरा कॉरिडोर बनाया है. अभी तो उसकी आवश्यकता नहीं है. काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में इतने गलियाँ थी कि लोगों में जाना है, लोगों को वहाँ मंदिर तक जाना ही असंभव था. ऐसी स्थिति शिरडी में नहीं है. जब भीड़ होती है सर तो इतना कंजेशन होता है पूरा शिरडी में, चारों व्हीकल्स रोड पे होते हैं, इंक्रोचमेंट होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सुचारू रूप से भविष्य को देखते हुए भीड़ देखते हुए सबसे ज़्यादा भीड़ आज साई मंदिर में है देश में? नहीं, वही उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले से जो पार्किंग जोन बनाए थे वो खाली नाम के लिए जोन बनाए गए हैं, लेकिन अभी उसके स्थिति में उसको पूरी तरह उसका अमल होगा. मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की एक सुविधा कर रहे हैं तुरंत सिटी में, जो काफ़ी 2000-4000 गाड़ी की व्यवस्था.